हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवा स्टाइल जलेबी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आओ देखते हैं जलेबी कैसे बनाई जाती है। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले मैं शुगर सिरप बनाऊँगी। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी पानी लिया है। इसमें मैं डालूँगी एक कटोरी चीनी, चार इलायची, इनको करूंगी मैं अच्छे से मिक्स। शुगर को मेल्ट होने के बाद मैं इसे बॉईल होने दूंगी। ये चाशनी बॉईल हो रही है। अब मैं डालूंगी इसमें एक पिंच ऑरेंज फूड कलर, आठ से दस केसर के धागे। इस चाशनी को हमें दो से तीन मिनट पकाना है। इसे हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट है। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अब मैं जलेबी का बैटर रेडी करती हूँ। जलेबी बैटर बनाने के लिए मैंने ली है एक कटोरी मैदा। इसमें डालूंगी मैं दो स्पून दही, एक पिंच फूड कलर, एक चम्मच देसी घी। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसमें डालूंगी मैं एक चम्मच बेसन, अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी डाल के एक थिक बैटर तैयार करूंगी। इसमें हमें पानी धीरे धीरे ही डालना है क्योंकि इसका बैटर अगर पतला हो गया तो जलेबी अच्छी नहीं बनेंगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसको दो से तीन मिनट तक अच्छे से मिक्स करूंगी। इसको हमें अच्छे से एक से दो मिनट तक अच्छे से बीट करना है। ये देखिए, इसका बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। हमें इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी आधी चम्मच बेकिंग सोडा। क्योंकि हम इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं इसलिए इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसको साइड रख लेती हूँ। अब जलेबी बनाने के लिए मैंने ये एक पैकेट लिया है। आप दूध की थैली का यूज़ भी कर सकते हैं। ये मैंने दो साइड से कट कर लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से गिलास में रखूँगी। अब मैं इसमें जलेबी का बैटर डालूँगी। अब मैं इसको इस तरीके से बंद कर लूँगी टाइट रबर बैंड से। इस तरीके से अब मैं गैस में तेल गरम कर लेती हूँ। तेल मैंने गरम होने के लिए रखा है। अब मैं जो ये हमने पैकेट बनाया था जिसमें मैंने जलेबी का बैटर डाला है, उसे इस तरीके से सीजर से कट कर लूँगी। थोड़ा सा हमें ज़्यादा मोटा भी कट नहीं करना है। इस तरीके से ये देखिए
अब जैसे ही तेल गरम होगा मैं इसमें गोल गोल शेप में जलेबियाँ बनाऊंगी। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें जलेबी डालूंगी इस तरीके से राउंड शेप करते हुए। एकदम परफेक्ट हलवाई जैसी तो नहीं बनेंगी, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे हम लोग। 2 से 3 बार में अच्छी शेप आ जाएगी इस तरीके से। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लेती हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये जलेबी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैं इन्हें चाशनी में डालूँगी। चाशनी ठंडी हो चुकी है इसलिए मैं इसे हल्का गुनगुना गरम करूँगी। चाशनी हमें तेज़ गरम नहीं करनी है, अगर तेज़ गरम में डालेंगे तो जलेबी कुरकुरी नहीं रहेंगी। चाशनी हल्की गरम हो चुकी है, अब मैं इसमें जलेबी डालूंगी। गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। इन जलेबियों को हम चाशनी में 20 से 30 सेकेंड रखेंगे, जिससे कि चाशनी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए इस तरीके से। बीस से तीस सेकेंड हो चुके हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म जलेबी बनके रेडी हैं, अब मैं इनको सर्व करूँगी गर्मा गर्म। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसी तरीके से मैं इसमें और जलेबी डाल देती हूँ।